हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं बाइक डॉक्टर। बाइक डॉक्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सुपर स्प्लेंडर इंजन असेंबली का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने जाना था कि बाइक का गियर कैसे फिटिंग करते हैं, और ये पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कि पूरा क्लच असेंबली कैसे फिट करते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, ये सुपर स्प्लेंडर इंजन का दूसरा पार्ट है। अब हम यहाँ पूरी क्लच असेंबली फिट करेंगे। क्लच असेंबली पहले हम ये किक स्प्रिंग हम लगा लेते हैं। तो एक होल्डर दिए गए हैं प्लास्टिक के, दो है, एक बड़ा एक छोटा, एक स्प्रिंग और ये इसका क्लैंप। ये पहले मैं ये छोटा वाला है उसको नीचे लगाऊंगा। अब ये जो ये भाग है यहाँ, ये मैं इस तरह लगाऊंगा, इस तरह। तो आप देख सकते हो ये यहाँ से मैं थोड़ा इतना दूर रखूंगा, थोड़ा सा ही। और फिर हम ये स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग यहाँ नीचे लगती है, यहाँ बिठा दिया। अब प्लास्टिक का बड़ा होल्डर, और अब मैं डिसमिस से बिठा दिया। अब दोस्तों, ये फिटिंग हो गया। इसमें टाइमिंग मिलाना कोई नहीं होता, बस ऐसे ही फिटिंग करना रहता है। आप देख सकते हो इसमें इतनी प्ले है जो सभी बाइक में होनी चाहिए। स्प्रिंग निकल गई, मैं इसको फिर से मैं फिटिंग कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। दोस्तों, मैं गुजरात से हूँ, मुझे प्रॉपर हिंदी नहीं आती, कुछ शब्द बोलने में या आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। अब हम यहाँ फिटिंग करेंगे। यहाँ पहले एक सरा लगाएंगे, जो छोटा सा सरा रहता है, फिर एक चक्कर लगाएंगे। दोस्तों, ध्यान से फिटिंग करना, ये गिर ना जाए। इंजन में गिर गया तो आपको पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। यहाँ मैंने लगा दिया, अब चक्कर में लगाता हूँ। ये यहाँ छोटा सा चक्कर। अब ये दोस्तों, यहाँ तीन है ऐसे लोहे के, आप देख सकते हो तीन है, पर इसमें जो बड़ा वाला है वो क्रैंक के नीचे चक्कर लगाया, उसके ऊपर रहेगा। फिर ये जो छोटा है, जो लंबाई में छोटा है ऐसे, और यहाँ बड़ा है, ऐसे बड़ा है, ऐसे छोटा है, इसको यहाँ क्लच सब में रखना है नीचे। फिर इसके ऊपर जो लंबाई में बड़ा है उसे रखना है। अब यहाँ गियर में यहाँ फिट कर लेते हैं। दो सरे हैं मेरे पास, दोनों को दोनों में फिटिंग कर लेता हूँ। अब ये और ये उसका ऊपर का ढक्कन। दोस्तों, हमारे यहाँ इस चीज़ को कुछ बोला जाता है और दूसरी जगह भी कुछ बोला जाता है, तो आप अपने हिसाब से मैकेनिक हो तो आप समझ लेना। इसको मैं टाइट कर रहा हूँ,
इसको टाइट कर दिया। अब मैं न्यूट्रल कर लेता हूँ गियर को। न्यूट्रल किया, अब गियर शाफ्ट की बारी। यहाँ फिर से लोहे का बुशिंग और एक स्प्रिंग। अब इसे लगा देता हूँ मैं ये से, और यहाँ फिटिंग हो गया। ये गियर कंप्लीट हमारा। अब हम यहाँ प्राइमरी गियर लगाएंगे, इसे प्राइमरी गियर कहते हैं। उससे पहले ऑयल पंप फिटिंग कर लेते हैं। ये ऑयल पंप है दोस्तों, तो इसको हम फिटिंग कर लेते हैं। ये डोयल पिन, इसे डोयल पिन बोलते हैं। तो एक यहाँ और एक यहाँ लगी हुई है, दो डोयल पिन के साथ ये ऑयल पंप। ऑयल पंप के तीन बोल्ट, एक बड़ा, दो दूसरे बड़े, तीन बोल्ट। 10 नंबर के टीप आने से मैं टाइट कर लेता हूँ। इसको भी टाइट कर लिए। अब प्राइमरी गियर की बारी। ये लोहे की पिन है जो मैं यहाँ लगाऊंगा। दोस्तों ध्यान से काम करना, कहीं कुछ चीज़ें गिर गई इंजन में तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पूरा खोलना पड़ेगा, मतलब ध्यान से करना, ऐसा होता है इसे बार बार गिर गई। ये पिन को मैंने बिठा लिया। अब प्राइमरी गियर के बारे, इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। ये प्राइमरी गियर, अब एक क्लच हाउसिंग, इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। क्लच हाउसिंग को फिटिंग किया। वाइसर, यहाँ एक वाइसर रहता है, इसे क्लच हब भी बोलते हैं दोस्तों, और इसको हाउसिंग बोलते हैं। सॉरी बोलने में थोड़ा गलती हो गया, इसको हाउसिंग बोलते हैं। जो भी हो दोस्तों, फिर हमें तो फिटिंग करना है। ये प्रेशर प्लेट है और अब मैं फिटिंग करता हूँ। हाउसिंग लिया, क्लच प्लेट रखी, प्रेशर प्लेट रखी, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट। फिर क्लच प्लेट, दूसरे हाउसिंग को लगा दिया। अब ये हो गया, अभी इसको हम फिटिंग कर लेते हैं।
फिटिंग कर ली है, फिर इसको ऊपर खींचना है। ऊपर दोस्तों इसको ऊपर खींच के ये पूरा घूमना चाहिए। ऊपर खींचो तब ये से सिर्फ आप देख सकते हो, ये अभी अब ऊपर खींचना है और पूरा हाउसिंग घूमना चाहिए, पूरा क्लच अब घूमना चाहिए ऐसे, और नीचे हो तब ये इसे फ्री चलना चाहिए। पर आप फिटिंग करें उससे पहले इसको एक बार ऊपर करके ज़रूर चेक कर लें, ताकि ये अपने ढांचे में सही तरह से बीट सही तरह से आ जाए। अब एक बड़ा वाइसर लिया मैंने, अब ये दो नट है, छोटी नट यहाँ लगेगी, तो इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। ये नट पल्सर जैसी दी रखी है, पल्सर के लोड व्हील में जैसी आती है, ये इसका टूल्स है दोस्तों। इसको पकड़ने का टूल्स मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं एयर गन से टाइट करने वाला हूँ, जो ये एयर गन से बिल्कुल ही टाइट हो जाती है। तो दोस्तों मैंने इसे एयर गन से टाइट कर दिया, मुझे इसको पकड़ने का टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब फिर से एक बार इसको ऊपर करके चेक कर लेते हैं, सही है। अब स्प्रिंग रखेंगे, 6 स्प्रिंग, अब ऊपर इसको लगाएंगे। पर इसमें 3 बोल्ट ही लगते हैं, 3 में नहीं लगते, तो आप देख लेना किस किस में ये फिटिंग होगा। दोस्तों ध्यान से फिटिंग करना, अगर एक साइड ज़्यादा दबाव आ गया तो ये टूट भी सकता है, तो थोड़ा ध्यान से फिटिंग करना। अब मैं यहाँ क्रैंक में डिश में लगाऊंगा और इसको फिटिंग कर लेता हूँ। इसको भी अभी ये बेयरिंग लगा देता हूँ मैं, लोड व्हील। दोस्तों ये लोड व्हील इंजन का बैलेंस करने के लिए रहता है, दोनों तरफ वेट को बैलेंस करने के लिए इसको दिया जाता है। अब इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। इस साइड बड़ी नट है, जो हीरो होंडा स्प्लेंडर में रहती है वही है। एयर गन से टाइट कर लेता हूँ। एयर गन से मैंने टाइट की, अब यहाँ ऊपर का कवर जो है उसे लगा देता हूँ। 3 बोल्ट,
इसे भी एयर गन से टाइट कर लेता हूँ। तीनों के तीनों बोल्ट मैंने टाइट कर लिए। अब ऑयल फिल्टर, इसको भी मैं लगा देता हूँ। दोस्तों, आप जब कभी भी इंजन खुले तब सब डिपार्टमेंट अलग अलग रखें। जैसे मैंने ये क्लच का अलग रखा था, गियर के लिए अलग रखा था, जो आप देख सकते हो इसमें पूरा कोई सामान नहीं बचा। तो हमें पता चलता है कौन सा सामान कैसे बचा। ये क्लच का, ये हेड का सामान है, ये हेड का सामान है। तो दोस्तों, हमें पता चलता रहता है कि कौन सा सामान छूट गया और कौन सा बच गया। इसलिए आप हेड के सामान अलग रखिए, क्लच का अलग रखिए और गियर का अलग रखिए, ताकि आपको पता चलता रहे कौन सा सामान फिटिंग करने को बाकी है। तो यहाँ तो अब क्लच में कुछ बचा नहीं, क्लच कवर फिटिंग करके मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ सुपर स्प्लेंडर में एक ये है, आप देख सकते हो, ये एल्यूमिनियम का बना है। इसमें होल है, ये यहाँ फिटिंग होगा। यहाँ यहाँ से होल का प्रेशर आता है और यहाँ से यहाँ पूरी लाइन बनी हुई है ऑयल पंप की, तो इसलिए यह फिटिंग होगा। तो अब दोस्तों, अब खोले तो अब ध्यान रखना कहीं ये गुम ना हो जाए, वो सब चीज़ों का। इसका पैकिंग मैं साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा बाकी है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मैं पैकिंग लगाने वाला हूँ, पैकिंग के साथ मैं ट्यूब भी लगाऊंगा। तो मैं ट्यूब लगा देता हूँ। आप भी दोस्तों अपनी तरह लगा लेना, आप जैसे काम करते हो, सबका काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है दोस्तों। मैंने लगा दिया और यहाँ इसको मैं ग्रीस लगा के लगा दिया, ताकि ये निकल ना जाए। अब कवर को मैं लगा देता हूँ, उससे पहले मैं किक सील को निकाल लेता हूँ, ताकि हमें ये नया डालना है। अब फिटिंग हो गया, क्लच लीवर को यहाँ थोड़ा ऊंचा करेंगे, फिर बिठाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये क्लच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो गिर जाए तो हमें पता नहीं चलता, फिर से वापस से क्लच कवर खोलना पड़ता है। 10 के 10 बोल्ट में लगा देता हूँ। दोस्तों, अब मैं किक सील बिठा लेता हूँ। किक सील लिया, ये प्लग खोलने का टूल से इसके ऊपर मैं ऐसे बिठा लिया, फिटिंग हो गया। अब हम टाइमिंग चेन फिटिंग करेंगे और उसके साथ हमारा दूसरा पार्ट भी ख़त्म करेंगे, ये ऊपर का ढक्कन। अब आप यहाँ देख सकते हो, ऑयल बोल्ट के सिवा कुछ नहीं बचा दोस्तों, आप देख सकते हो क्लच के सामान में। तो ऐसे ही आप काम कर सकते हो कि कैसे
सब कुछ चीज़ें आप चेक कर सकते हो, कौन सी बची, कौन सा सामान कहाँ छूट गया, वो सब चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। तो ये मेरे काम करने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम टाइमिंग चेन फिटिंग कर लेते हैं। टाइमिंग चेन टाइमिंग ग्राइड को फिटिंग करेंगे। टाइमिंग ग्राइड अब यहाँ बोल्ट फिटिंग करेंगे। जो ऐसे रहता है ये क्लैंप, 10 नंबर के बोल्ट को हम फिटिंग करेंगे। 10 नंबर का बोल्ट अब हम मैग्नेट को फिटिंग करेंगे। ये मैग्नेट और इसका सेल्फ का चक्कर, जो हमने वन वे गोली का वीडियो बनाया है, इसको यहाँ लगा दिया। वाइसर अब नट लगाऊंगा। दोस्तों मैंने मैग्नेट नट टाइट कर दिया है, थोड़ा टाइट था इसलिए वीडियो मैंने स्किप कर दिया। अब मैं लगाऊंगा ये सेल्फ का चक्कर और उसकी पिन। नहीं, पहले सेल्फ चक्कर लगाएंगे, बाद में ये पिन ऐसे। और यहाँ बुशिंग रहता है छोटा सा, उसको मैं लगा देता हूँ। ये लोहे का बुशिंग, इस तरह से ये फिटिंग हो जाएगा। अब ये इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ, मैग्नेट कवर। तो एनोबल लगा देता हूँ मैं ट्यूब, फिर इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। अब मैं बोल्ट लगा लेता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँ। और नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाइक में हेड ब्लॉक कैसे फिटिंग करते हैं, पिस्टन रिंग कैसे फिटिंग करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ।